तो हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राइडर टेक जोन में। आज हम आपको बताएंगे कि बाइक को लेफ्ट पैर से 360 कैसे मारते हैं। पीछे मैंने जो एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि बाइक को राइट पैर से 360 में कैसे घुमाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली एक एक पॉइंट सही करके तरीके से बताऊँगा कि आपको लेफ्ट पैर से 360 को कैसे मारना है। काफ़ी लोग YouTube पे बताते हैं कि आपको हिंदी में भी बताते हैं और इंग्लिश में भी बताते हैं, लेकिन मैं आपको आज हिंदी में बिल्कुल हिंदी में बताऊंगा जैसे आप एक एक पॉइंट को सही तरीके से सीख गाइस। फिर आइए हम आपको शुरू करते हैं। ये रही हमारी टीवीएस स्टार सिटी बाइक 110 cc। आज हम आपको इससे बताएंगे कि बाइक को एक पैर से कैसे घुमाते हैं। काफ़ी लोग मतलब बोलते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ की बिल्कुल भी हिंट दे दूँ कि आपको जो आपकी जो ज़मीन है वो आपको इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आपकी ज़मीन इस टाइप की अगर होती है जैसे ईंटें बिछी हुई हों, तो इसमें क्या होता है, आप जब बाइक घुमाते हो पहिए से तो आपका पहिया इसमें गुट्टी फंस के आपकी बाइक जो ज़्यादा उछाल ले सकती है, जिससे आपकी बाइक आगे निकल जाएगी और आपके चोट भी लग सकती है, या मतलब आपके साथ में कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली आपको इन चीज़ों का बेसिक ध्यान रखना है। तो आइए फिर आपको दूसरा पॉइंट बताते हैं। दूसरे पॉइंट में सबसे पहले आपको ये चीज़ चेक करनी है कि आपका जो ये चैन स्पॉकेट है ये आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, देख लेना चाहिए। अगर आपका चैन स्पॉकेट कटा हुआ है तो इससे आपको क्या होगा, आपकी जब बाइक को क्लिच से घुमाओगे तो आपको चैन स्पॉकेट जो है ऑटोमेटिक राउंड ले जाएगा, इसमें आपको दिक्कत होगी, आपकी बाइक जो है राउंड नहीं। हम आपको बताते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में। पॉइंट नंबर 3 में आपको बेसिकली इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है क्लियर करके कि आपकी जो क्लच है ये आपकी बहुत लूज होनी चाहिए। ज़्यादा अगर हार्ड होगी तो ये आपको क्लच नीचे पैर दबाते टाइम पे ये आपको छोड़ने में ज़्यादा इसमें दिक्कत हो सकती है। उसके बाद में आपको ये जो है आपका ब्रेक, इस ब्रेक भी देख लेना कि इसको मतलब ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए या ज़्यादा बिल्कुल लूज़ नहीं होना चाहिए। ऐसे मैंने अभी लूज़ कर रखा है बिल्कुल भी, इससे आपको दिक्कत होगी कि आप जब रोकने का नंबर आएगा तो आपको अगले ब्रेक से ही लगाना पड़ेगा, इससे आपको दिक्कत होगी। आपको इस चीज़ का बेसिकली ध्यान रखना है कि अगर आप अभी नए हैं और इस चीज़ को सीखना चाहते हैं तो कृपया करके जो है मेरी वीडियो को पूरा स्किप करके ना देखें, क्योंकि इससे आपको क्या है कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी और आपके अगर समझ में नहीं आएगी तो आप चोट खा सकते हो। तो आइए फिर हम आपको बताते हैं कि आपके लिए ये करने के लिए कौन सी जगह बेस्ट रहेगी और किस टाइप से आप। आइए दोस्तों फिर शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि किस टाइप के रोड पे आप कर सकते हो। ये रहा हमारा रोड और जिस पे मैं आज 360 लेफ्ट पैर से करने वाला हूँ। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। ये रही इस टाइप का रोड होना चाहिए जो बिल्कुल क्लीन हो और ज़्यादा टूटा हुआ ना हो, क्योंकि टूटा हुआ अगर होगा तो आपका पहिया जो है राउंड नहीं ले पाएगा, उतना बढ़िया क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी आप जितना करना चाहते हो, तो ऐसे में आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये रही हमारी बाइक जिससे हम आज आपको 360 करके दिखाएंगे। पहले आपको अपनी बाइक पे बैठना है, उसके बाद में बैठने के बाद में आपको बाइक को स्टार्ट करना है। बाइक को स्टार्ट करने के बाद में आपको गाड़ी को फर्स्ट गियर में लेना है। फर्स्ट गियर में लेने के बाद में आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो आपका जूता है उसके पैर की जो अंदर की होनी चाहिए तब वो बहुत क्लीन होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसमें नीचे गुट्टी हो, कि इससे आपको ये पैर है ना पूरा राउंड करना पड़ेगा, और ये आपका पैर अगर राउंड नहीं होगा तो आप बाइक से 360 बिल्कुल नहीं गाइस। फिर हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले अपनी बाइक को स्टार्ट करना है, और ये स्टार्ट करने के बाद में आपको फर्स्ट गियर में गाड़ी को लेने के बाद में आपको इस चीज़ का बेसिकली ध्यान रखना है कि आपका ये जूता है जो वो इतना होना चाहिए कि पैर आपका रोटेट होता रहे, जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो आपको बाइक को क्या करना है, थोड़ी सी आगे लेके उसके बाद में आप देख लें जैसे आपके हिसाब से ग्राउंड हो आप उस हिसाब से वीडियो को शूट कर सकते हैं। और आपको बाइक को एक पैर पे लेना है। एक पैर पे लेने के बाद में एक ब्रेक से एक उंगली से ब्रेक को दबाना है और यहाँ से दो उंगलियों से क्लच को लगाना है। क्लच को लगाने के बाद में हल्की सी क्लच को छोड़ना है। आपकी बाइक धीरे धीरे ऐसे रोटेट होगी। आप जिस तरह पहले वो ये तो है कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, बट ये है कि आपको आ जाएगी तो आपके लिए फ़ायदा होगा। अभी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो देखिए हम दोबारा से फिर से आपको बता रहे हैं। ये देखिए ये रहा ऐसे सूट करके बाद में आपको दो उंगलियों से क्लच को दबाना है। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ये आपको इस टाइप से लगाना है और ये पैर का जो पंजा है इसके पूरा बैलेंस बना के रखना है और धीरे 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 ऐसे करके मुड़ाते जाना है। तो आइए हम आपको करके बताते हैं कि आपको ये फाइनल में किस टाइप से जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पर जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ज़्यादा सर अगर आपको हमारी वीडियो नई से नई वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को बेल आइकन को जाके दबाएं, जिससे हम आपको जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन पहुँच जाए।